नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं शालिनी पांडे। 585 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। आयरलैंड की तस्वीर अब बदल सकती है, क्योंकि यहां लियो वर्राकर के इस्तीफे के बाद देश की कमान युवा हाथों में सौंपी जा रही है। सत्तारूढ़ फाइनल गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 37 साल के हैरिस देश के सबसे कम उम्र के PM बन गए हैं। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वर्राकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि हैरिस PM बन सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। आयरलैंड की संसद में मंगलवार को हैरिस के समर्थन में 88 वोट पड़े। उन्हें गठबंधन की साझेदार पार्टियां फियलना फेल और ग्रीन पार्टी के अलावा कई निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर साइमन हैरिस को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हम हमारे ऐतिहासिक संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास पर आधारित है। भारत आयरलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर आश्वासित हूँ। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हैरिस ने कहा कि वह इस महान देश का प्रधानमंत्री चुना जाने को लेकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रोजाना मेहनत से काम करूंगा